अब कुछ टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम जो है आरएनएम को एफिशिएंट बना सकते हैं, जिसमें से एक चीज है रिकरेंट ड्रॉप आउट। आप लोगों ने ड्रॉप आउट तो पढ़ा है कि आप ड्रॉप आउट की लेयर लगा देते हैं जिससे जो है रैंडमली जो है वेट्स जो है ड्रॉप होते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो है अब यहाँ पे रिकरेंट ड्रॉप आउट यूज करेंगे, जो थोड़ा सा एडवांटेज है उसका। वो क्या एडवांटेज है उसको समझने के लिए आपको पहले बैक प्रोपगेशन समझ में आना चाहिए। बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम, नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क में हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब आप देखें, ये एक लेयर है L1, ये L2 लेयर है और ये L3 लेयर है। कोड मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब ये डिफरेंट लेयर्स हैं, इनमें बैक प्रोपगेशन होती है। तो लेयर जो पहली लेयर का आउटपुट होता है वो दूसरी लेयर को मिलता है, दूसरी लेयर का आउटपुट तीसरी लेयर को मिलता है। उसके बाद जो है बैक प्रोपगेशन होती है, लेयर 3 जो है अपना एरर लेयर 2 को भेजेगी, लेयर 2 अपना एरर लेयर 1 को भेजती है, ठीक है। ऐसे ही होता है। ये तो लेयर्स का कॉन्सेप्ट है जिसमें बैक प्रोपगेशन थ्रू लेयर्स हो रही है। लेकिन रिकरेंट लेयर पे क्या होता है, रिकरेंट लेयर पे एक ही नोड जो है अपना आउटपुट अपने आप को भेज रहा होता है, अपना आउटपुट अपने आप को भेज रहा होता है। तो अगर इसको अनफोल्ड किया जाए, इसको खोल के देखा जाए, तो ये एक ही रिकरेंट यूनिट डिफरेंट टाइम स्टैम्प पे टाइम 0 पे है ये, टाइम 1 पे है और ये टाइम 2 पर है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइम स्टैम्प पे एक ही रिकरेंट यूनिट जो है उस पर बैक प्रोपगेशन हो रही है। तो बैक प्रोपगेशन अपने आप पे ही अप्लाई कर रहा होता है वो डिफरेंट टाइम पे, राइट। अब अगर मैं बैक प्रोपगेशन थ्रू लेयर पे ड्रॉप आउट लगाऊं, तो यहाँ पे ड्रॉप आउट लगेगा, एक एक यहाँ पे लग जाएगा। तो ये क्या कर रहा होगा, डिफरेंट ड्रॉप आउट मास्क अप्लाई कर रहा होगा। यहाँ पे ड्रॉप आउट का रेशो कुछ और हो सकता है, L1 और L2 के बीच में, L2 और L3 के बीच में ड्रॉप आउट का रेशो कुछ और हो सकता है। यही प्रॉब्लम जो है इसमें भी आ रही है, जब ये बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम हो रही है तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट ड्रॉप आउट मास्क अप्लाई हो रहे होंगे, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट ड्रॉप आउट मास्क अप्लाई हो रहे होंगे, जबकि ये गलत है। एक ही ड्रॉप आउट मास्क, एक ही रेशियो जो है, एक ही रेशियो से ड्रॉप आउट होना चाहिए, ड्रॉप आउट मास्क सेम होना चाहिए। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए यरिन गैल ने जो है अपने पीएचडी थीसिस में काम किया और उसने प्रपोज किया कि सेम ड्रॉप आउट मास्क अप्लाई होना चाहिए, ड्रॉप आउट मास्क चेंज नहीं होना चाहिए, यही सेम ड्रॉप आउट मास्क बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम में अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या कहता है, अगर कांस्टेंट ड्रॉप आउट मास्क अप्लाई होगा तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो लर्निंग एरर जो है प्रॉपरली जो है एक जगह से दूसरी जगह प्रोपगेट होगा। असफर नासिर का सवाल है, ड्रॉप आउट बेटा देखो, ड्रॉप आउट का मकसद है जो न्यूरल नेटवर्क को आप कहते हो इंटेंशनली कोई चीजें भूल जाए। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा चीजें याद कर लो तो इंसान को डिप्रेशन हो जाता है, हर चीज याद रखने लगता है, हर चीज का हिसाब किताब रखने लगता है।
तो इसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क में भी जब वो हर चीज़ याद करना शुरू कर देता है ना, तो उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो ओवरफिट करने लगता है, तो उसको जानबूझ के कुछ चीज़ें भुलाने के लिए ड्रॉप आउट इस्तेमाल किया जाता है। तो रिकरेंट ड्रॉप आउट का ये फायदा है कि वो एक ही चीज़ हर लेयर पे भुलवाएगा, एक ही पैटर्न होगा भुलवाने का, तो इससे परफॉर्मेंस अच्छी होती है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, जब आप LSTM की लेयर लगाओ या GRU की लेयर लगाओ, तो आप रिकरेंट ड्रॉप आउट स्पेसिफाई कर लो, दोनों ड्रॉप आउट आप लगा सकते हो, ड्रॉप आउट भी और रिकरेंट ड्रॉप आउट भी, ठीक है। तो रिकरेंट ड्रॉप आउट को यूज़ करने का क्या फ़ायदा है, आपके न्यूरल नेटवर्क की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, आपके रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और फायदा क्या होता है, आप जो है रिकरेंट लेयर को स्टैक कर लें, आप एक रिकरेंट लेयर नहीं लगाएं बल्कि आप कई लेयर, GRU की कई लेयर लगा दें या LSTM की कई लेयर्स लगा दें। ये हमने डेंस में भी काम करके देखा है कि हम जो एक डेंस लगा रहे थे फिर कई लगा के देखा, नेटवर्क की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ऑप्टिमाइजर चेंज करके देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिसमें से एक ये था कि हम जो है नेटवर्क की कैपेसिटी को बढ़ाएं। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने किया है, यहाँ पर इन्होंने 2 GRU की लेयर लगा दी, आप 3 लगा दें, 4 लगा दें, और फिर उसमें कितने यूनिट्स लगा रहे हैं आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। और फाइनली बाई डायरेक्शनल RNN, बाई डायरेक्शनल RNN पे हम आ जाते हैं थोड़ा सा। बाई डायरेक्शनल RNN में क्या करेंगे हम, अगर आप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली क्या कर रहा होता है, वो डेटा लेफ्ट टू राइट रीड कर रहा होता है। हम डेटा को रिवर्स करके भी तो दे सकते हैं ना, जैसे मैंने कहा था कि 12:10 की प्रोडिक्शन के लिए उसने क्या किया था, 11:10 की प्रोडिक्शन ली थी, 10:10 की, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा, ये स्टार्ट हुआ होगा 6:10, फिर 7:10, फिर 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 और फिर 12 की प्रोडिक्शन आ रही होगी, इसी सीक्वेंस में आ रहा होगा ना, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और फिर 12 की प्रोडिक्शन कर रहा है। लेकिन आप यूँ भी तो कर सकते हो कि आप उल्टा दे दो डेटा, यानी आप 11, 10, 9, 8, 7, 6 इस तरीके से भी तो डेटा दे सकते हो, तो इस तरीके से जो फीचर्स निकल कर आएंगे वो डिफरेंट होंगे। तो इसकी एक एग्जाम्पल हम करके देखते हैं, हम जो IMDB का डेटा, इंटरनेट मूवी रिव्यू डेटाबेस का डेटा हमने उठाया, नंबर ऑफ वर्ड्स बता दिए हमारी वोकेबलरी में कितने, और फिर हमने डेटा को रिवर्स कर दिया, जुमले को ही रिवर्स कर दिया, सेंटेंस को, जैसे लिखा हुआ है दिस इज अ रोमांटिक मूवी, तो आपने इसको उल्टा दे दिया, मूवी रोमांटिक आ इज दिस, उल्टा सेंटेंस पास कर दिया। तो इंसान तो है नहीं, ये मशीन है, मशीन तो उल्टे में से भी ये पैटर्न निकाल लेगी, ठीक है। पैड सीक्वेंस की, अगर जुमला छोटा है तो बराबर लेंथ पे लाने के लिए पैड कर दिया, फिर एम्बेडिंग लगा दी, तो रिवर्स में भी हम सीक्वेंस पास कर सकते हैं और उस पे भी प्रोसेसिंग हो सकती है, ठीक है। मॉडल को फिट करा दिया हमने, तो ये हमने रिवर्स में पास किया। लेकिन अगर आप चाह रहे हो फॉरवर्ड में और रिवर्स में दोनों में एक साथ पास करो, तो बाई डायरेक्शनल RNN का क्या फायदा है, बाई डायरेक्शनल RNN जैसे ये डायग्राम बता रही है, ये 2 RNN चला रहा होता है अंदर, एक फॉरवर्ड में चला रहा होता है, एक रिवर्स में चला रहा होता है। तो अगर डेटा जैसे ABCDE आपने दिया है, तो ABCDE भी पास करेगा और EDC भी A को पास करेगा, दोनों से जो है पैटर्न निकालेगा
दोनों के रिजल्ट्स को फिर मर्ज कर लेगा, दोनों के फीचर्स को मर्ज कर लेगा, तो बाई डायरेक्शनल आरएनएन जो है उसकी परफॉर्मेंस फिर अच्छी आनी चाहिए। इसको चला के देख लेते हैं। अब हम जो है बाई डायरेक्शनल आर एन लगा रहे हैं, बाई डायरेक्शनल है उसके अंदर जो है एलएसटीएम हमने पास कर दिया, ये एलएसटीएम आर एन एन की टाइप ही है, ठीक है ना। तो ये बाई डायरेक्शनल को हम चला लेते हैं, इसको मैंने रोक दिया, आप घर पे आराम से चलाइएगा इसको, परफॉर्मेंस देखिएगा किसकी अच्छी आ रही है। तो ये बाई डायरेक्शनल चल गया। लेयर्स डॉट एलएसटीएम, एलएसटीएम की लेयर लगाई है ना भाई, बाई डायरेक्शनल के अंदर एलएसटीएम की लेयर पास की है, एलएसटीएम के ऊपर चढ़ाया है ना। 32 क्या है, 32 जो है जैसे डेंस के अंदर पास करते हैं, यूनिट्स हैं एलएसटीएम के, ठीक है। एक लेयर में एक न्यूरॉन थोड़ी होगा, न्यूरॉन्स है ना ये एलएसटीएम के, 32 न्यूरॉन्स हैं जैसे डेंस में होते हैं। डेंस की एक लेयर लगाते हैं तो आप बताते हैं उसमें कितने नोड्स होंगे, कितने न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 10 मिनट दे रहा हूँ, इसकी जरा प्रैक्टिस कर लें आप लोग।